नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंबेडकर भवन के मुद्दे पर। एक रात में जेसीबी, पोकलैंड मशीन, बाउंसर्स के साथ उस अंबेडकर भवन को गिराया जाता है जिसमें कभी बाबा साहब अंबेडकर की बुद्ध भूषण प्रेस थी, जिसमें कभी बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया था। ऐसी एक वास्तु जो इतिहास की कई घटनाओं की साक्ष्य है, उसे रातों रात गिराया गया, जिसके बाद अंबेडकरी समाज में एक तरह की गुस्से की लहर फैल गई। कल पूरी मुंबई में एक जनसागर उभरा जिन्होंने अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट किया। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्या सिर्फ सड़क पर उतरने के बाद जो उनको चाहिए वो हासिल होगा, क्या अंबेडकर भवन फिर से दोबारा उसी जगह पर उसी शान के साथ बन पाएगा, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार है सुनील खोबरागड़े और डॉक्टर सुरेश माने है, घटना तज्ञ है, इनका पार्टी भी है, इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, बराबर सर? सर, मेरा पहला सवाल सुरेश माने जी आपसे, जो कल एक जनसागर उमड़ा, लोगों की गुस्से की प्रतिक्रिया पूरी मुंबई ने देखी, उसके आगे कुछ हो पाएगा? एक बात है कि अंबेडकर जनता हमेशा एक प्रेशर के रूप में काम करती है, और जब जब ऐसे कोई मौके आते हैं, वो नेता नहीं देखती, संगठन नहीं देखती, उसका कौन अपील कर रहा है ये भी नहीं देखती, और जब भी अंबेडकर विचार, उसकी प्रतिमा, उसके सिंबल्स, इसको जब भी एक्सिस्टेंस का खतरा लगता है, तब अंबेडकर मॉब एज सच ये रास्ते पे उतर आता है। ये हमने रिडल के समय में भी देखा है, मराठवाड़ा नामांतर के समय भी देखा है, और खैरलाल जी के समय भी देखा है, और उसी कड़ी में कल के मोर्चा को देखना चाहिए, क्योंकि जो बिल्डिंग गिराई गई, जिस तरह से गिराई गई, और गिराने के बाद गिराने वालों की तरफ से जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वो कोई भी संवेदनशील आदमी उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसलिए अंबेडकर लोगों में, जनता में आक्रोश, गुस्सा होना लाजमी है, स्वाभाविक है, जिसका प्रदर्शन कल महाराष्ट्र के लोगों ने देखा। शुरू में ही मैं साफ कर दूं कि इसको कोई कहेगा कि ये प्रकाश अंबेडकर जी के पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा है, तो मैं उससे असहमत हूँ। ये प्रकाश अंबेडकर के द्वारा बुलाए गए अंबेडकरी लोगों का मोर्चा था, ये उनके सिर्फ अकेले पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। जैसे हमारे पार्टी ने भी उसको जो प्रिंसिपल सपोर्ट देने की भावना है, क्योंकि इशू इसका है, इसलिए दिया था। लेकिन इस सारे एपिसोड को लेकर, जिस तरह के गिराने के बाद अंबेडकरी जनता को विश्वास में लेकर काम करना, उसको एक भरोसा देना, ये गिराने वालों ने नहीं किया, और जिसका परिणाम गुस्सा होने में आया, और जब गुस्सा होके इतना बॉब रस्ते पे आ गया, जनसैलाब आ गया, बहुत बड़ी बरसात के बाद भी आ गया, ये अंबेडकरी जनता की ताकत महाराष्ट्र की, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी जानती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये सारी ताकत वोट में कन्वर्ट नहीं होती पिछले 10-15 साल से। और वोट में कन्वर्ट होने के लिए सारे लोगों को बुलाया गया था, अंबेडकर के उस भवन के निर्माण के लिए बुलाया गया, ये भवन के निर्माण के लिए नहीं, उसके खिलाफ का जो आक्रोश था, जो मुंह था, उसके खिलाफ एक विद्रोह की भावना है, निर्माण की भावना एक उनका एजेंडा, फ्यूचर एजेंडा बन सकता है, लेकिन जो निर्माण प्रक्रिया को लेकर भी जो कोई मुद्दे अभी नए सामने आए, कि जैसे कॉरपोरेशन की तरफ से अपना एक स्टे ऑर्डर है, कल राज्यसभा में सोशल जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर गहलोत ने कहा कि हम उसको दोबारा निर्माण करेंगे, तो कई उसके और पहलू हैं, और इन पहलू को देखते हुए कल के मोर्चा के बाद जो और एक डायमेंशन जो जुड़ा, वो खुद कल प्रकाश अंबेडकर जी द्वारा ऐलान करना कि 30 तारीख से हम अंबेडकरी जनता से ही श्रमदान से या अंबेडकर भवन बनाएंगे, तो ये एक और तीसरा डायमेंशन है। अब एक तरफ कॉरपोरेशन है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ ट्रस्टी है, और एक तरफ प्रकाश अंबेडकर या ये बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही है। ऐसे हालत में जल्दी सॉल्यूशन कितना निकल पाएगा, और सारे लोगों को एक्सेप्ट करने वाला सॉल्यूशन निकल पाएगा,
ये बात थोड़ी सोचने वाली है। सुरेश माने जी के बयान से ऐसा लगता है कि मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। सुनील जी आप क्या कहेंगे? ये तो मैं डॉक्टर सुरेश माने सर से मैं इस बात पर सहमत हूँ कि ये अम्बेडकर भवन का मामला जो है अब जिसका इजी सॉल्यूशन था वो अब जटिल बनते जा रहा है, वो और उलझते जा रहा है। क्योंकि शुरू में एक दो पार्टी के बीच का मामला था, जिस तरीके से इस भवन को तोड़ा गया, जिस तरीके की कार्रवाई की गई, ये निश्चित तौर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस बात पर तो कोई भी सहमत होगा। तो इस भावना को जब अम्बेडकरी जनता का जो एक साइक है, जो साइकोलॉजी है कि जब भी उसके कोई भी प्रतीक पर आघात होता है तब वो रिबेलियस मूड में बड़े जोर से प्रोटेस्ट करती है। चाहे वो जैसे डॉक्टर माने ने बताया कि इसी तरह जब भी खैरलान जी का मामला हो, कोई लीडर नहीं था, कुछ भी नहीं, पूरा लीडरलेस मॉब था, लेकिन पूरा रिडल्स का मामला जो था, रिडल्स है या खैरलान जी, इन्हें तुरंत में देखा जाए अपन ने खैरलान जी मामले में बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में, विश्व में एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था और लोगों का जनसैलाब जो था इसी तरह रास्ते पर आया था। तो अम्बेडकरी जनता का ये एक साइकोलॉजी है, उसकी एक भावनात्मक इश्यू जो है कि वो जब भी उनके प्रतीकों पर हमला होता है तब वो इकट्ठा हो जाती है। अब एक मेरा ऐसा अलग सवाल है। हाँ देखिए, ऐसा है कि इसमें हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपना अपना समर्थन दिया था। हर एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि हमारा भी समर्थन है, कांग्रेस से भी आए थे और मेरे ख्याल से वर्षा गायकवाड़ भी दिखी मुझे यहाँ पे, एक नाथ गायकवाड़ भी मुझे वहां पर दिखे, संजय निरुपम भी शायद वहां पे थे, कॉमरेड भी वहां पर थे, कन्हैया भी वहां पर था। सब लोग इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, इसलिए जैसे ये जो तरीका है गिराने का, जो तरीका है वो तरीके के विरोध में जो भी बाबा साहब को मानने वाली जो भी जनता है, चाहे वो कोई भी पार्टी में रहे, वो तो उद्दलित होगी, वो आंदोलित होगी ही जरूर। तो इसलिए इसका पॉलिटिकल माने जो भी कुछ हो, लेकिन एक अम्बेडकरवादी होने के नाते हर एक जन का जो विरोध करने का तरीका है, वो विरोध करने के लिए वो उसमें शामिल हुई थी, ना कि कोई नेता को देखकर। और हर पक्ष जो है, वो पक्ष जो कांग्रेस में रहे या कोई भी पार्टी में रहे, तो यदि वो बाबा साहब के प्रतीक पर कोई आघात होता है, बाबा साहब के बारे में कुछ घटना घटती है, तो वो हमेशा इकट्ठा आया, ऐसे हमने बहुत जगह देखा है। वो अपनी पार्टी भूलकर, पार्टी की सीमाएं लांघकर वो इकट्ठा हो जाता है, चाहे भी कोई पार्टी में हो। फिर अगर ऐसा ही है तो जो ट्रस्टी है उस ट्रस्ट के, पीपल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के, वो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, कल उनमें से कोई भी कहीं नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये मॉब उनके खिलाफ उतरा था सड़क पर? क्या इस मॉब का गुस्सा से डर के वो लोग बाहर नहीं आए? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। ट्रस्ट क्यों नहीं बाहर आई कि ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह का ये था कि ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ जो गुस्सा था, ट्रस्ट के लोगों ने जिस तरीके से इस भवन को गिराया, इसको ध्वस्त किया, उसके प्रति जो गुस्सा था, तो वाजिब है कि ये ट्रस्ट के लोगों के प्रति ही ये था। कोई सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा नहीं था ये, कोई या सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा नहीं था ये, जिस तरीके से गिराया वो तरीके का विरोध करने के लिए मोर्चा था। अब इसमें कई पार्टियां आई हैं। आपने जो पहले सवाल पूछा कि ये बाकी पार्टियां जो आई है, तो कल के मोर्चा को एड्रेस शिवसेना नेता नीलम गोरे ने भी एड्रेस किया, सीताराम येचुरी ने भी एड्रेस किया, और सीताराम येचुरी का जो भाषण है उससे स्पष्ट है कि लाल सलामा और जय भीम का एक होना बहुत जरूरी है। और नीलम गोरे के भाषण का भी कई पेपरों में आज के भी आया है कि शिव शक्ति और भीम शक्ति को एक होना चाहिए। वो तो पहले से एक है, चुनाव में भी एक साथ चुनाव में लड़े, रामदास अटले ऐसी बात नहीं है, रामदास अटले भी मंत्री भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान मामला नहीं है वो। रामदास अटले पॉलिटिकल गठबंधन, रामदास अटले मंत्री सेना के नहीं, बीजेपी कोटे से बने हैं, और वो शिवसेना के टूटने के बाद बीजेपी से बने हैं। एमपी बनने के लिए शिवसेना बीजेपी का समर्थन था, एक नेक्स्ट स्टेप आ गई। जो मुद्दा आपका है उसमें इन पार्टियों का भी अपना एक एजेंडा है, इस बात को समझो कि कम्युनिस्ट हो या शिवसेना हो, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को ख़त्म करने पर तुली है, उसी लेवल पे शिवसेना अपने लेवल पे बचाने को लगी है। और इस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ दूसरे कोई बड़े पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र के राजनीति में शिवसेना को एक अलग पॉलिटिकल प्लेयर की तलाश है,
अगर रिपब्लिकन फॉर्म में कोई मिलता है तो शिवसेना को बहुत अच्छा लगेगा। जो है उनके साथ वो बहुत छोटे लोग हैं, उनका कोई इतना कोई वजूद नहीं है, और इसलिए कोई बड़ा प्लेयर मिलता है। कौन बड़ा प्लेयर? बड़ा प्लेयर अगर कोई भी मिलता है, क्योंकि बड़े प्लेयर मतलब तो दो तीन की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। नहीं, राजनीति में इतनी साफ सुथरी बातें नहीं होती कि कौन बड़ा प्लेयर और कौन छोटा प्लेयर। राजनीति के बारे में शिवसेना के साथ पहले थे क्या, आप ये कह रहे हैं कि वो छोटा प्लेयर है, बाकी कोई बड़ा प्लेयर उनके साथ भी जुड़ेगा? शिवसेना को फायदा होगा, शिवसेना ने एक आठवले नाम का प्लेयर इस्तेमाल करके वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद अब वो जगह जो खाली है वो कोई ना कोई भरे, तो शिवसेना उस तलाश में है। कांग्रेस हमेशा रिपब्लिकन का झंडा अपने साथ रखने में गर्व महसूस करती है, शर्म तो महसूस नहीं करती, वो इसका एक पुराना एजेंडा है। और सीपीएम और सीपीआई ये डावे पक्ष के लोगों को आजकल नई अवेकनिंग आई है, बहुत देर से सही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उनका संघर्ष समझ में आया है, चाहे कन्हैया हो, चाहे सीताराम हो, चाहे और कोई हो। और इसलिए उनको लगता है कि जब पूरे देश में लेफ्ट मूवमेंट का बेस सिकुड़ता जा रहा है, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, देश में कोई नामो निशान तो है ही नहीं, इस हालात में बेस बनाने के लिए नई जगह अम्बेडकर मूवमेंट के माध्यम से ही मिल सकती है, और इस प्रयास में लेफ्ट पार्टी के लोग हैं तो उनका एक एजेंडा है। लेकिन मैं इससे उनके ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा कि वो कल आए, चर्चा में इसमें जारी रखेंगे। मेरा सवाल अब ये है, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, लेकिन क्या इसका कुछ फायदा अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए हो पाएगा? एक ब्रेक के बाद। अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए इतनी सारी पार्टियां एक साथ आई हैं, इससे कोई फायदा होगा या मामला और ज्यादा उलझेगा? हम बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे सर। एक्चुअली ये अंबेडकर भवन निर्माण का मुद्दा अभी इतना सीमित नहीं रहा। जिस तरह कल बाला साहब अम्बेडकर ने पूरे उनके स्पीच में एक नया डिस्कोर्स डिफाइन करने की कोशिश की, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे मूवमेंट के ऊपर हमला है, हमारे धरोहर के ऊपर हमला है, और अगर ये हमारे धरोहर मूवमेंट के ऊपर हमला करते तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो एक अंबेडकर भवन उसका प्रतीक बनता है, मेमोरियल बनता है, जहाँ बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस, बाबा साहब के ओरिजिनल कागजात, खरीदा हुआ प्रेस, मशीनरी उसकी। तो इस कारण जो मुद्दा है कि अगर कोई भी यहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो या और कोई हो, इन थोड़े बातों को अलग तरह से समझे, तो हमें बाबा साहब द्वारा बनाई गई जो ऑर्गेनाइजेशन से संस्था है उसको भी थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। और इसको जब देखते तो आप रिपब्लिकन पार्टी से शुरू करो। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब की पॉलिटिकल संस्था, 58 में झगड़ा शुरू हुआ, अभी तक वो झगड़े शुरू है, उसके परिणाम कई रिपब्लिकन बने। भारतीय बौद्ध महासभा का मामला अदालत में पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, अब उसके ऊपर दो अधिकार वाले लोग हैं, वो भी अंबेडकर फैमिली में बटा हुआ है, तो वो भी एक मामला है। तीसरा मामला जो है वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का है। आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की हालत है कि एक अध्यक्ष प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, दूसरा अध्यक्ष प्रिंसिपल को निकाल देता है। ये भी बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है, और ये अम्बेडकर भवन चौथा है। अब अम्बेडकर मास जो है वो बाबा साहब की इन सारी संस्था होने के कारण इन तमाम झगड़े अंतर्गत वाद विवाद के ऊपर तब तक नज़रअंदाज करता है जब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं मिटाता। उसके अस्तित्व को कोई हाथ लगाता है तो फिर अंबेडकर मास चुप नहीं बैठता, फिर वो उसके संस्था का पदाधिकारी कौन है, बाबा साहब ने किसने नियुक्त किया था, नहीं किया था, कानूनी कौन है, गैर कानूनी कौन है, अंबेडकर मास इस चर्चा में नहीं जाता। अंबेडकर की मास की यही एक धारणा होती है कि ये बाबा साहब के संघर्ष की, उनके आंदोलन की, उनके परिश्रम की, उनके मेहनत की ये चीज़ है, ये इमारत है, ये प्रेस है, इसको कोई हाथ ना लगाए, इसको कोई डिस्ट्रॉय ना करे। और ये भूमिका को लेकर ये मास उत्तेजित होता है, आक्रोशित होता है, और आक्रोशित होने के बाद पर वो आंदोलन के ऊपर उतर जाता है। और इसलिए अभी जब अंबेडकर भवन बनाने की बात है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा
कि अब मामला थोड़ा पेचीदा बन जाएगा। मेरा एक बीच में आपको रोकना चाहूँ, मेरा एक सवाल ऐसा है कि 58 से लेकर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर झगड़ा शुरू हुआ, क्या ये एक वजह बन पाएगी कि सारी रिपब्लिकन पार्टियां, सारी रिपब्लिकन मूवमेंट एक झंडे के नीचे आए, एक अपनी अलग पहचान दोबारा से बनाए, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, ये अपने सारे मतभेद भुलाकर सारे रिपब्लिकन नेता एक झंडे के नीचे, ये आम आदमी की धारणा है 1958 से लेकर आज तक है, इसके लिए लेकिन वो कभी भी साबित नहीं हो चुकी है और न भविष्य में होगी। ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक बात समझ लो कि सारे अंबेडकरवादी लोग मिलकर भी सोचे कि हम इकट्ठा काम करेंगे तो दुश्मन उनको करने नहीं देगा। कौन दुश्मन? कई सारे मूवमेंट्स में ही है, एंटी अंबेडकराइट जो फोर्सेस है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे संघ परिवार हो, उसमें से कम्युनिस्ट हो, उसमें से कुछ लोगों को बाला साहब भी कुछ तक कम्युनिस्ट विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, मैं प्रकाश अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ का कम्युनिस्ट फोर्स हमेशा बाबा साहब की मूवमेंट के अगेंस्ट रहा है, चाहे वो डांगे रहे, चाहे वो डांगे के बाद भी नमुद्रीपाद से लेके सीपीआई सीपीएम जो भी हो, नेशनल तौर पर ये कम्युनिस्ट फोर्स जो है, कम्युनिस्ट फोर्स का बेस जो है वो सर्वहारा समाज, दलित शोषित समाज है। यदि अंबेडकराइट मूवमेंट बढ़ती है तो सबसे पहले खतरा जो है, सबसे पहले खतरा कम्युनिस्ट मूवमेंट को ही होता है। इसलिए कम्युनिस्ट मूवमेंट ने हमेशा ये प्रयास किया है कि अंबेडकराइट मूवमेंट हमेशा अपने लिमिट में रहे या हमारी शैडो में रहे। आज जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट फोर्सेस जितने भी है वो अंबेडकराइट मूवमेंट को, अंबेडकराइट नेतृत्व को अपने शैडो में रखने की कोशिश कर रही है। ये मोर्चे में जिस तरह का भाषण एक कम्युनिस्टों ने किया या कन्हैया ने किया, उससे भी ये साफ होता है। अच्छा, कन्हैया कहाँ से आ गया बीच में? उसकी क्या मतलब कहीं जिक्र नहीं हुआ था कि कन्हैया आने वाला है या वगैरह कुछ? अचानक कन्हैया आया और डेब्यू था ना उसका, ये डेब्यू था, उसको एक पॉलिटिकली प्रोजेक्ट किया गया। कन्हैया ये अली के माध्यम से दलितों का नेता, अंबेडकरों का नेता करके उसको पहली बार प्रोजेक्ट किया, जो अंबेडकराइट काज के लिए लड़ रहा है, अंबेडकराइट काज के लिए लड़ रहा है, ये प्रोजेक्शन कन्हैया को दिया गया। और भविष्य में ये संकेत है उसका कि कन्हैया को जो प्रोजेक्ट किया जाएगा वो अंबेडकराइट लोगों का लीडर करके प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन तो अपना खुद का स्वार्थ देख रहा है, इसका अंबेडकर भवन को क्या फायदा मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा क्या फायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कल का मोर्चा अंबेडकर भवन के मुद्दा हो, लेकिन उसके पीछे हर एक के अलग अलग इक्वेशन है। इक्वेशन एक भी है, बहुत जल्द 6 महीने के बाद महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव है, मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, हर कोई दलित नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, दूसरा अपने लोगों के मन की जो दुखती नब है उसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहता। दूसरा इसका एक एस्पेक्ट ये भी जो है कि दलित मूवमेंट का, अंबेडकराइट मूवमेंट का एम जो है इस मोर्चे से एक सीमित दायरे में एक बहुत छोटे लेवल पर केंद्रित हो गया है। जैसा ये एक बड़ा दायरा जो था कि एक 14 एकड़ जगह पर इंदू मिल का स्मारक बनाना, इंदू मिल के लिए जनता लड़ रही है, आज इंदू मिल की जगह जो है वो जगह ठीक ढंग से एक्वायर नहीं हो पाई, वो स्मारक का आराखड़ा जो है, स्ट्रक्चर जो है, या उसका कुछ संकल्पन जो है वो ठीक ढंग से बन नहीं पाया, और अंबेडकर भवन का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। उस वजह से क्या हुआ कि इंदू मिल का जो मुद्दा है वो दब गया है। आज जनता इंदू मिल की डिमांड नहीं कर रही है, अंबेडकर जनता वो तो जो था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए लड़ रही है, कुछ मिलाने के लिए नहीं लड़ रही। किसने किया होगा ये अभी? इसके लिए जो बात सीधी है कि इतना बड़ा कदम कोई भी सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के समर्थन बिना नहीं कर सकता, अंबेडकर भवन गिराने का। सीधी बात है, मैं आपको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रत्नाकर गायकवाड़ और ट्रस्टीज को सरकार का समर्थन है, भाजपा से उनके बिना समर्थन ये हो ही नहीं सकता। मुझे सीधी बात बतानी है आपको कि बीएमसी ने नोटिस तो दिया था, नोटिस दिया था तो फिर डिमोलिशन का काम कैसा हो गया? क्योंकि जिनको भी थोड़ा बहुत कानून की जानकारी है, मैं तो कानून का प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो जो थोड़े बहुत जानते हैं कि ऐसे हालात में जो भी वहाँ टेनेंट होते हैं, ऑक्यूपेंट होते हैं, उनको रिहैबिलिट करना पड़ता है पहले। मान लो अगर वो ट्रस्ट जो है, ये प्रेस जो है वो ट्रस्ट के जगह पर है और उनको नोटिस दिए, तो उनको आप रिहैबिलिट करना चाहिए।
डिमोलिश तो नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते। इस बारे में मैंने रत्नाकर रायकर जी को सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, किसी भी वक्त गिर सकती थी, इसलिए रातों रात गिरानी पड़ी। एक मिनट भाई साहब, वैकेट करने के लिए एक मिनट, सवाल बिल्डिंग का नहीं है, प्रेस की मशीनरी तो वहां से हिलाई जा सकती थी, बिल्डिंग का नहीं है सवाल, वो तो दूसरा मामला है। लेकिन जिस प्रेस में अम्बेडकर के बाबा साहब के खुद पब्लिकेशन छपे, वो मशीनरी तो रिमूव किया जा सकती थी। उसके लिए तो अम्बेडकरी मूवमेंट के कुछ अच्छे लोगों को बुलाकर सलाह मशवरा करना, क्योंकि वो एक बात ध्यान में रखिए, मैंने जो मुद्दा कहा कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो या भारतीय बौद्ध महासभा हो या अम्बेडकर भवन हो, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी उसमें कमेटी में पदाधिकारी हो, चाहे वो ट्रस्टी हो या कुछ भी हो, अम्बेडकरी समाज खुद को उस प्रॉपर्टी का अपने को रखवालदार मानता है, ट्रस्टी मानता है, और इसीलिए अम्बेडकरी जनता थे। अगर ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का मामला होता तो इतने लोग रास्ते पे नहीं उतरते, और इसीलिए चाहे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी हो, ये सबक है भविष्य के लिए। कल जो हुआ, अगर कल कुछ भविष्य में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, भारतीय बौद्ध महासभा है, बौद्ध जन पंचायत समिति है, अगर यह संगठनों के पदाधिकारी ऐसे कोई गलत काम करेंगे तो लोगों की यही ताकत उनको देखनी पड़ेगी और लोगों का इतना गुस्सा सहन करना पड़ेगा। रही बात गिराने की, बात जो मैं आप कह रहा था कि गवर्नमेंट शामिल है, बीएमसी ने, बीएमसी भी शामिल हो सकती है, हाँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट, बीएमसी भी, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना, डेफिनेट फायदा है शिवसेना को, शिवसेना जैसे, शिवसेना अपने लिए एक साथी तलाश रही है, एक पॉलिटिकल साथी तलाश रही है, और ये पॉलिटिकल साथी तलाश, साथी के तलाश में ये एक अलग मुद्दा खड़ा किया जाए, एक अलग इशू खड़ा किया जाए, क्योंकि परमिशन किसने दिया है, 354 का नोटिस जिस बीएमसी ने निकाला है, उस बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना पावर में है। दूसरी बात ये कि जब टीनेंसी के तहत किसी को वैकेट करना है, समझो किसी को वैकेट करना है, तो वो टीनेंट लीगल होना चाहिए, उसका टीनेंसी में कुछ ना कुछ राइट होना चाहिए, यदि राइट नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी जो है वो जिसने ऑक्यूपाई किया है, जिसने एंक्रोच किया है, उसकी बनती है। यदि ये जैसे ट्रस्ट में, जैसे जिस तरह की बातें सामने आई है कि ट्रस्ट ये कह रही है कि हमने उनको नोटिस दिया था, हमने लीगल ये किया था, वो किया था, ये वगैरह, ये लीगल नोटिस देने के बाद जब मामला पुलिस में पहुंचाने के बाद भी पुलिस यदि हस्तक्षेप नहीं करती है और बीएमसी भी हस्तक्षेप नहीं करती है, जब आईओडी देते वक्त या नोटिस देते वक्त कि आपके यहाँ जो भी टेनेंट है उसको हटाना ये जिम्मेदारी है, तो इसमें ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि महापालिका की भी सरकार जो है पावर में, जो शिवसेना है वो शिवसेना भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि शिवसेना को भी इंदू मिल के मुद्दे को लेकर, ये इंदू मिल का मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, इंदू मिल का मुद्दा जो दब जाए, ये प्रयास जो है कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा से लेकर सभी कर रही है ताकि इसमें राजनीति की जा सके। क्या इंदू मिल से ध्यान भटकाने के लिए अम्बेडकर भवन का मुद्दा उछाला गया? बात करते हैं ब्रेक के बाद। बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कदम, रिपब्लिकन जनशक्ति पार्टी है उनकी। सर, इतनी सारी पार्टियां कल के आंदोलन में उभरी, अब मामला सुलझने के बजाय उलझता नहीं नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो सुलझता नजर आ रहा है, ये तो सुलझ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोग आए रास्ते पर, मतलब रिडल्स के बाद शायद इतना बड़ा मॉब बाहर निकला है, तो पहली बार रिडल्स के बाद पहली बार निकला हुआ है, जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से लोग आए हुए थे, तो और जिस तरह से लोग कमिटेड स्पिरिट से आए हुए थे, उससे तो माहौल सुलझ जाएगा। मेरे ख्याल से ये सारी, मतलब ये माहौल देखकर ट्रस्टी जो कहे जा रहे हैं, मतलब जो सो कॉल्ड ट्रस्टीज है, उनके भी ध्यान में आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि व्हाटएवर जो हम कर रहे हैं, जो वो करने जा रहे हैं, वो शायद गलत है, और वो लोग तो मान नहीं रही है उनको, लोगों का मानना कुछ और है, मतलब क्या कहते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन कुछ और है और ये लोग कुछ और करने जा रहे हैं, तो इससे मेरे ख्याल से ये जब उनके ध्यान में आ जाएगा तब ये सुलझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, they have to quit, they have to leave from there, और ये तो सीधी बात हो रही है। हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे एक चर्चा से ये निकल कर आया कि लोग कमिटेड है, बिल्कुल पूरी कमिटेड है, लेकिन हर एक नेता का अपना अपना एक एजेंडा है, किसी को बीएमसी इलेक्शन से, किसी को और कोई इलेक्शन से,
अभी जैसे कि माने साहब ने कहा कि होगा ना, शायद होगा, शिवसेना को भी अपना एक पार्टनर चाहिए जो आठवले सर के जाने के बाद जो कोई एक वैक्यूम तैयार हो उसके लिए, तो क्या बिल्कुल आप जो कह रहे हैं पब्लिक कमिटेड है और मानता हूं मैं, अगर लीडर शायद होंगे भी, लीडर्स जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पार्टियां हैं या जितने भी गुट है, अपना अपना एजेंडा होगा उनका, लेकिन लोगों का एजेंडा वो नहीं था। लीडर्स का एजेंडा अलग है, लोगों का एजेंडा एक ही था। देखा गया है कि लोगों के एजेंडे पर लीडर का एजेंडा जो है एम्पावर कर जाता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, एक दूसरी बात है कि ये मामला बाबा साहेब अम्बेडकर और ट्रस्टी इतना सीमित नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको एक लार्जर पिक्चर करके समझ। एग्जैक्टली, कि बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से, उनके जीवन से, उनके संघर्ष से जुड़े हुए सारे चीज़ों को एक तो वो रिनोवेट कर रही है या गवर्नमेंट के द्वारा परचेस कर रही है या रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है। अब जैसे लंदन का घर है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, अलीपुर रोड का। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए, आजकल 2016 में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अप्रोप्रिएट और मिस अप्रोप्रिएट इसको कहते, मतलब ज्याला अपन म्हणतो की मराठी मध्ये असं हरकून टाकणे, हिंदी में भांडवल करना, रिजेक्ट करना, तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है वो संघ और बीजेपी का एजेंडा है। जैसे मैंने कहा कि लंदन में बाबा साहब का घर बना तो उसकी वहाँ कोई ना कोई मैनेजिंग कमेटी बनेगी, उसको कोई ना कोई कंट्रोल करेगा, तो बीजेपी के लोग करेंगे। अगर इसको पूरा समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लार्जर एजेंडा समझे बगैर अंबेडकर भवन को गिराना ये समझना थोड़ी अधूरी कहानी है। ये इसीलिए ये ट्रस्टी और बाला साहब का मामला नहीं है, उस प्रॉपर्टी का मामला भी नहीं है, उस जमीन का, मैं इस मुद्दे पे भी आना चाहूंगा, उस जमीन का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, वो जो बनाने वाला है उसका सिम्बॉलिक इनॉग्रेशन करते हैं। तो जब ये सब मुख्यमंत्री लेवल एक एक मामला और उसमें अब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि मुझे गुमराह बनाया गया, मुझे बिल्कुल जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो दी नहीं गई। ये आज उन्होंने विधानसभा में कैसे गुमराह किया, आज विधानसभा में उन्होंने कहा, आज इसलिए जो कहा जा रहा है कि ये मुद्दे को हाईजैक करने की जो कोशिश हो रही है, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियां जो है चाहे वो शिवसेना रहे या चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, इस मुद्दे को बेस बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर का अप्रोप्रिएशन करना जो है, एक दो तरीके के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अप्रोप्रिएशन लेफ्ट पार्टियां करना चाहती है और यहाँ पर दूसरी हिंदुत्ववादी ताकतें जो है वो भी करना चाहती है। ये दोनों मिलकर अम्बेडकराइट नेताओं को अपने हाथ का एक स्टूज इस्तेमाल के तहत एक तरफ लेफ्ट पार्टियां इस मुद्दे को भुना रही है, बाबा साहब का अप्रोप्रिएशन करना चाहती है, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी ताकतें हैं। इस बात को मैं मानना चाहूंगा, उन्होंने अपने पोस्टर बॉय कन्हैया को शायद इसीलिए मैदान में उतारा था ताकि ये दिखाया जाए कि देखिए हम भी जो हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट के ही समर्थन में। मैंने जैसे कहा ना, हर एक का किसी का एजेंडा होगा लेकिन लोगों का वो एजेंडा नहीं है, ये बात है। अप्रोप्रिएशन वगैरह ये सब हर कोई मतलब पिछले 60 सालों से करते आया हुआ है, लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट जो है वो शायद किसी ने कभी किसी दौर पे या किसी मौके पर उन्होंने यूज भी किया होगा, लेकिन फिर भी लोग जो है, लोग कमिटेड है और वो रास्ता नहीं भूल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये जो मैंने कहा कि शायद सब लोग अपना अपना एजेंडा ये कर रहे हैं, लेकिन उसका प्यादा कौन बन रहा है, कौन बन रही है? ट्रस्टी, जिनके माध्यम से भाजपा अपना जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है, उनके माध्यम से वो दोहरा रहे, मतलब आगे कर रहे थे फर्दर ये कर रहे हैं। वो कैसे, देखिए बाबा साहब वहां अम्बेडकर भवन जो है, छोटे छोटे इतने सारे गुट हुआ करते थे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको कहीं मीटिंग भी लेना चाहिए, लेना होगा तो उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, बहुत सारे पैसे देना पड़ता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह था मूवमेंट के लोगों को बिना पैसे वहां जाए, कुर्सियां ले, बैठे, मीटिंग ले, मीटिंग होने के बाद खत्म हो जाए। और ये कितने सालों से हो रहा है, 50-60 सालों से ये होते आया है कि वहां दैट्स अ रीजन, लोग कहते हैं कि इट्स अ सेंटर ऑफ द मूवमेंट, रीजन क्या है, ये रीजन है उसका। तो फिर ये उनको ये जानते हैं ये लोग, तो उसी वो रूट्स पर हमला किया जा रहा है, एंड दे वांट टू यूज इट फॉर देमसेल्व्स। तो आरएसएस का एजेंडा क्या है कि बाबा साहब को इमोशनल बना के, मतलब अभी जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि बाबा साहब का सपना वहां पूरा करने जा रहे हैं। कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं,
ये भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जो ट्रस्टी आज के जो ट्रस्टी कर रहे हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग मतलब इसको माध्यम रखकर इसको आम्बेडकर जनता को ये सब इतना डीप पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता है। अगर उनको एक समझती है, देखिए देखिए मैं अगर बिल्कुल समझती है, अगर आप लोगों को देखा, देखिए कल जो लोग आए थे सारे पार्टी से, सारे गुट से लोग आए थे, उनका अपना अलग अंबेडकर ही जनता, नहीं नहीं जनता का अपना अलग जनता बोल रहा हूँ, जनता नॉट सिर्फ अंबेडकर जी के प्रतीक के लिए आए थे, लेकिन अब उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? नहीं देखिए वो तो पॉलिटिकल, मैं इसको बिल्कुल ना ही कोई प्रॉपर्टी का ये कह रहा हूँ, नहीं प्रॉपर्टी के मुद्दे का जो है जनता एजेंडा सेट नहीं करती है, एजेंडा जो सेट किया जाता है, एजेंडा सेट हमेशा किसी न किसी लीडर के द्वारा या कोई तो भी जिसमें एक बॉडी हो उस बॉडी के द्वारा सेट किया जाता है, उसको एक माध्यम बनाया जाता है। आज आज जिस तरह से ये एजेंडा सेटिंग की जो बात हो रही है, चाहे वो सरकार अपना एजेंडा या हिंदुत्ववादी ताकतें जो है वो अपना एजेंडा सेट कर रही है और लेफ्टिस्ट ताकतें जो है वो अपना एजेंडा सेट कर रही है, लेकिन उसमें दोनों तरफ से इस्तेमाल जो रहे हैं वो आम्बेडकरवादी गुट ही है, आम्बेडकर संस्था है, एक तरफ ट्रस्ट इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ आम्बेडकर नेता इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो आम्बेडकर जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी दब रही है, आइडियोलॉजी से ध्यान हट रहा है और तात्कालिक मुद्दे जो है जिस मुद्दे का आम्बेडकर मूवमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है, आम्बेडकर मूवमेंट खड़ी करने का काम भी कैसी घटना है, अम्बेडकर भवन भी इसी तरह की घटना है कि जो असल एजेंडा या आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजी से भटको और एम जो है वो छोटा कर दो, लो कर दो, लो लेवल पर लेके आओ उसको, लार्जर इसमें लार्जर जो मोमेंट जो है लार्जर मोमेंट को खत्म करो और छोटी चीज के लिए लड़ते रहो, इस तरह का जैसे इंदुमिल का मुद्दा जो है ये तो दब गया है, आज इंदुमिल की चर्चा आज कोई नहीं कर रहा है, आज अम्बेडकर भवन की चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ जो है अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करके सत्ता में आने की बात जो है, इंडिपेंडेंट अम्बेडकर पॉलिटिक्स की बात जो है वो बात दब गई है, खाली जो है कि लाल सलाम और ये जय हिंद लाल सलाम को इकट्ठा लाने की बात कर रही है। यहाँ पर जिस तरह के जो भाषण रैली में जो है, रैली में होने के बाद जो भाषण अपन जब देखते हैं तो यहाँ पर भारत में अम्बेडकराइट मूवमेंट पर आधारित सत्ता स्थापित हो ऐसी बात वहां पे नहीं हुई है, लाल सलाम और भीमशक्ति की एक बात हो जाए या शिव शक्ति और भीम शक्ति को इकट्ठा करने की बात हुई है, मीन्स किसी न किसी ने एक बड़ी शक्ति के तहत आपको एक मॉडलिंग करके काम करना है, आपको एक लोअर पार्टनर करके काम करना है, इसी तरह की बात हुई है। नहीं इस तरह से जनता को लोगों को इतना कम समझना और उनको जैसे अक्ल ही नहीं है ऐसे समझना मैं तो नहीं जानता हूँ, एजेंडा तो जनता ही तय करती है, एजेंडा जनता ये करती है, कल अगर आप देखते तो आपको पता चलता कि एजेंडा जनता कैसे तय कर रही है। मैं था सालों से अम्बेडकरी मूवमेंट हाईजैक करने की कोशिश हर किसी ने करी है, लेकिन आज तक मतलब एक दो चार ऐसे एग्जाम्पल्स तो मिल सकते हैं, लेकिन आज तक अम्बेडकर मूवमेंट जो अम्बेडकरियन मूवमेंट जो है जिस तरह से हाईजैक लोग कह रहे हैं वैसे हाईजैक हुआ नहीं है, और ना ही वो इमोशन पे चलती है और ना ही मतलब किसी के कहने पे चलती है, मूवमेंट तरीके जा रहे हैं, सिर्फ नेता जो है शायद दो चार नेता होंगे, और आज तक तो नेता के बारे में कहा जाता था, लेकिन अब सोशल जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें आ रहे कुद रहे, और देखिए पहले तो पॉलिटिकली डिवीजन था, अब तो सोशली डिवीजन करने की कोशिश कौन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, और कौन कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को पकड़कर, ये ब्यूरोक्रेट्स चमचागिरी किसके कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, हर रूलिंग पार्टी के चमचागिरी ब्यूरोक्रेट्स ने करी है, और ये ब्यूरोक्रेट्स आज भी इतने एक्टिव हो गए कि वो सोशली दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, लेकिन कल की जो पिक्चर था वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना कुछ मत कर पाएंगे, ये मुझे कहना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, जो सुरेश माने साहब कह रहे थे और सुनील कदम जी कह रहे थे कि क्या ये एक जंग प्रॉपर्टी के लिए भी है, क्या उस जमीन को लेकर भी एक विवाद खड़ा किया जा रहा है, ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। क्या ये मामला उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, क्या उस जमीन को लेकर विवाद है, ट्रस्टीज ये कह रहे हैं कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से वो आप बात नहीं नकार सकते कि इसका लीगल जो अथॉरिटी है वो हमारे पास है, न कि उनके पास जो नेता उस शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुना नहीं मैंने,
वहां के जो ट्रस्टीज हैं उनका कहना है कि असली जो ट्रस्टीज है वो हम ही है, इसका जो भी करना होगा उसकी लीगल ऑथराइज हम है। लीगल नीटी ग्रिटीज में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात तो बोलता हूँ, एक ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रस्ट में मेंबरशिप का एक कुछ कंडीशन है, मेंबरशिप के लिए वो कंडीशन क्या है, ही हैज टू बी अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। देयर इज अ चेयरमैन हु इज नॉट अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया, मैम वराड़े जो है, ही इज अ सिटीजन ऑफ कैनेडा फॉर लास्ट 40 years, नॉट लेस देन दैट। और वो कैसे बन सकते हैं ट्रस्ट, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जो लीगैलिटीज में भी दे आर ऑन बैकफुट। पहली बात ये है। सेकेंड थिंग, जिस तरह से गिराया गया है वो भी बैकफुट पर है। थर्ड, मैं बोलता हूं आपको, वो जो उन्होंने बोला ना आईओडी वगैरह, व्हाट इज आईओडी, व्हाट इज सीसी, मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मैं सीसी कब मिलता है, आईओडी कब मिलता है वो मुझे मालूम है। जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया है ना, जो पेपर्स लिए हैं, द पर्सन जो मतलब लीगल ल्यूमिनरी यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनका नाम प्रॉपर्टी कार्ड पर होना जरूरी होता है। इनका प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम ही नहीं है। प्रॉपर्टी कार्ड पर किसका नाम? माने साहब बताओ। मैं हाँ सर को मालूम है। बता दे। प्रॉपर्टी कार्ड पर जो पुराने ट्रस्टी है, जिनको इन्होंने निकाला है, जिन्होंने अभी तक 80 साल पूरे नहीं हुए उनके, 75 उन्होंने, वो भी जबरदस्ती ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात ही नहीं है। लेकिन मुझे रिटायरमेंट कब होगा, वो जबरदस्ती से 2006 में घुसाया गया, लेकिन उसमें भी एक ये है कि टिल 80 आप हो सकते हैं, रह सकते हैं इफ यू आर एबल टू वर्क। वो तो सारे नीटी जो अगर लीगल लेना वो तो बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, उनको जो आज आप सीएम का अगर निवेदन पढ़े जो विधानसभा में दिया है, उन्होंने तो बिल्कुल नकारा है कि जो भी हुआ है वहां पर सारी मतलब 354 इलीगल है, सारी चीजें इलीगल है। या जिस तरह से रात को किया हुआ है, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू डिमोलिश एनी स्ट्रक्चर एट दिस मिडनाइट, ये सारी चीजें उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन आज मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप समझ जाइए, सुधर जाइए, अभी यू हैव टू बैक आउट नाउ, नहीं तो लोगों में जो डिविजन हो रहा है, लोगों में जो ये हो रहा है वो आप ये कर दीजिए। और जो सपना कह रहे हैं ना, डोंट ब्लैकमेल, वो कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग है। वो क्या कर रहे हैं, हम बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। अगर आप उसके भी नीटी ग्रिटीज में जाओगे तो वो भी कहीं नहीं है। जो स्टूडेंट एक्टिविटी 13 एक्टिविटी उन्होंने बता दिया है वो भी गलत है। अगर स्टूडेंट एक्टिविटी है ना, वो भी क्या है, आउटसोर्स किया जा रहा है, ये इसको आउटसोर्स, वो उसको आउटसोर्स। अरे बिल्डिंग हमारी, दो मंजिले इनको, दो स्टोरी उनको, तीन स्टोरी, तो हम क्या करेंगे, हम क्या वहां सिक्योरिटी रहेगा, तो मूवमेंट का आदमी वहां क्या वॉचमैन बनेगा, ये कौन सा ये है। सो बाबा साहब का सपना भी वो पूरा नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। सो दे शुड अंडरस्टैंड, इट्स टाइम नाउ, गेट अवे फ्रॉम इट। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो भी प्रॉपर्टी उनके समय उन्होंने एक्वायर की थी, वो मूवमेंट को ध्यान में रखकर, आंदोलन को ध्यान में रखकर, कोई निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वडाला डेपो में बाबा साहब के नाम पे बहुत बड़ी जमीन थी, वो कब डेपो के लिए चली गई किसको पता नहीं। यस, नंबर एक। नंबर दो, तलेगांव दाभाड़े बाबा साहब का बंगला है, 85 एकड़ थी, अब 1.5 एकड़ बची, लगभग 83.5 एकर कब खा गई किसी को पता नहीं। किसने खाई? कारला भाजा में, कारला भाजा में 100 एकर्स फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पर जापान के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। तो मुरबाड़ में 6 एकर थी। यस, बेंगलोर में है और अभी भी वडाला में है, बहुत बड़ा एक प्लॉट दिल्ली में है, बहुत बड़ा है दिल्ली में है। अब बाबा साहब की प्रॉपर्टी, बाबा साहब के जाने के बाद कुछ लोग तो कस्टोडियन तो बनेंगे ना, उतनी तो व्यवस्था करनी पड़ती है चाहे कोई भी ट्रस्ट हो। तो ये जो आपका जो बेसिक मुद्दा है कि वैसे भी बाबा साहब के नाम की बहुत जमीन इधर उधर चली गई है, जिसको इसके पहले किसी ने फिक्र नहीं किया है, बिल्कुल ये भी सच है। और आज भी मुंबई में बड़ा 4 एकड़ का फ्लैट पड़ा है वडाला में, सिद्धार्थ विहार हॉस्टल की जगह पड़ी है, किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि ये जो मामला था, ये जमीन जहाँ प्रेस होना, इमोशनल अटैचमेंट होना, मूवमेंट का सेंटर होना, लगभग सब खत्म हो गए। पहले सिद्धार्थ विहार तो कम से कम था, तो ये बची थी, तो इसलिए जन आक्रोश बहुत है। लेकिन आप जो कह रहे कि प्रॉपर्टी के मामले, मैं जो फिर ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के बहाने किसी न किसी का इस्तेमाल करके यहाँ सरकार आ रही है।
मुद्दा ये समझो, यस मुद्दा ये। और आम अंबेडकर लोग भी, बाला साहब का भी कल भाषण का टोन वही है, वो ट्रस्टी के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आए, उनका तो सरकार के खिलाफ रवैया है। और मैं भी जो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जो भी बाबा साहब की जगह या उनसे जुड़े हुए जो भी इमारत है, जो भी है, उसको सरकार कंट्रोल में लेना चाहती है, और उसके लिए वो किसी ना किसी का सहारा बनाई। अब इसमें मजे की बात है, कल मैं ये चर्चा टेलीविजन पे भी सुन रहा था, जैसे ऐड तो 17 मंजिले की थी, 17 फ्लोर की, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो परमिशन तो ग्राउंड प्लस 2 का फ्लोर का, 1+1=2 है, तो ग्राउंड प्लस 2 का परमिशन है, तो 17 फ्लोर की एडवर्टाइजमेंट भाई कहाँ से आ गई। तो ये कोई भी गुमराह करेगा ना, तो हम कोई भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन हम लोगों को कोई बाबा साहब के या उसके प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई झूठ बोलेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, या उसका कोई भी एजेंडा। पीपल्स इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अंबेडकर जनता को गुमराह कर, नहीं ये 17 देख करके जो नहीं ये ट्रस्टी बने, 17 देख करके हार्डली दो तीन, देखिए 3-4 महीने के ट्रस्टी है कुछ, सिर्फ 3-4, कुछ तो 2 महीने के है जो खुद को ट्रस्टी कह रहे हैं ना, वो तो 1.5-2 महीने के। लेकिन फिर मैंने इसमें से कोई नजर भी नहीं आया, मैंने कहा ना ये सारी बातें, मतलब जब हम जितने उसके अंदर जाएंगे ना, वो तो नीटी ग्रीटी में जाएंगे, तो सब मैंने कहा ना, वो तो और कुछ निकलेगा, लेकिन हमको जाना नहीं है। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा, अभी बाला साहब ने 30 तारीख को एक कदम उठाया, बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा कि 30 तारीख के बाद बाला साहब ने जो अम्बेडकरी जनसमर्थन से जो कदम उठाने जा रहे हैं, उससे लीगली ट्रस्टी कौन है, क्या है, मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। अब इसमें सरकार कितनी बैकअप करती है और कितना समर्थन देती है, ये मामला सरकार बैकआउट हो गई है। अब सरकार इसमें क्या करेगी, जहां पर भी कानूनी पेचीदगियां होती है वो मामला प्रलंबित, बहुत साल तक प्रलंबित रहता है, ये आज तक का भारत के कोई भी प्रॉपर्टी का अनुभव रहा है। जैसे बाबरी मस्जिद की भी बात अपन करे, तो बाबरी मस्जिद में क्या हुआ है, बहुत बड़ा करोड़ों का जनसैलाब आया, उन्होंने तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद आज तक वो बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि कानूनी पेचीदगी किया है। और अंबेडकर भवन के मामले में भी सेम यही बात हो रही है कि यहाँ पे ठीक है तोड़ा गया, लोगों ने उसको फिर से बनाने के लिए बहुत बड़ा जनसैलाब रास्ते पर आया, लेकिन ये रास्ते पर आया हुआ जनसैलाब जब ये बात कानूनी पेचीदगी में उलझ जाती है, तब ये होता है कि ये जैसे थे नहीं, बाबरी मस्जिद और अंबेडकर भवन तो बियॉन्ड कंपैरिजन है, वो तो दो समाज और ये वो तो बियॉन्ड कंपैरिजन है। यहाँ पर ट्रस्टी भी अपने ही है और बाकी सब अपना ही है, सिर्फ कुछ ट्रस्टियों जो नए ट्रस्टी सो कॉल्ड है उनको समझना है सिर्फ, वो कोई मतलब ये नहीं है, वो समझ जाएंगे और वो तो निकल जाएंगे, वो दूसरी बात है। बात दूसरी जो कानूनी कह जा रही है, रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, बात अब बाला साहब अंबेडकर जो कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर कानूनी तौर पर वो कर सकते हैं, उसमें कोई कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या अंबेडकर भवन दोबारा बन पाएगा, बिल्कुल अगर बनाएगा तो फिर उसके ऊपर मिल्कियत या अधिकार किसका होगा? आपको बोलता हूँ बाबा साहब का जो सपना था, थ्री स्टोरी बिल्डिंग में क्या क्या चाहिए वहां पर, एक स्टूडेंट मिल्कियत किसकी रहेगी, एक स्टूडेंट एक्टिविटी, एक कार्यकर्ता को जो बाहर से आते हैं रहने के लिए, ये और मूवमेंट के लिए था, ये तीन एक्टिविटी बाबा साहब का सपना था, और तीन एक्टिविटी के लिए 3-स्टोरी जो बिल्डिंग बनेगी वो लोगों के खर्चे से बन सकती है। 17 माला लेकर पूरा भाड़े पे और किसी और को बेचना, उससे अच्छा है कि हमारा तीन मजली होगा और हमारा घर होगा, हमारा मूवमेंट होगा। हाँ, अधिकार किसका, बिल्कुल जो पुराने ट्रस्टी है वो अभी वैलिड है, वो इनवैलिड हुए नहीं है, तो शायद तो ये पुराने ट्रस्टी जो है उन्हीं के हाथ में रहेगा। ये 1.5-2 महीने वाले जो ट्रस्टी है ना, वो तो नहीं जाएंगे, वो तो ट्रस्ट पर आ ही नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर से मैंने कहा वो कानूनी वगैरह ये है, ऐसा हो पाएगा, ये थोड़ा सा आइडियल लग रहा है। एक बात है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में भी बहुत से वो अलग है, उनका वो पेच अलग है, पीपल्स इंप्रूवमेंट नहीं पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट, और वो भी बेचारे सारे लगभग संबंधित ही अपने लोग हैं, लेकिन आज कोर्ट की मनाही आदेश से कोई भी चेयरमैन पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के दफ्तर नहीं जा सकता, वो सील किया है कोर्ट ने, ये आज वर्तमान हालत है। चाहे रामदास अठावले खुद को क्लेम करे मैं चेयरमैन हूँ, या और कोई चेयरमैन करे,
पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब के द्वारा बनाई गई शिक्षण संस्था का कार्यालय आज सील है कोर्ट के आदेश के बाद। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी वही है। और अभी 22 तारीख को ये ट्रस्टी के खिलाफ का एंटीसिपेटरी बेल आने वाला है, फिर उसकी डेट है। कल मैं आराम से सुन रहा था प्रकाश अम्बेडकर को भी और सीएम के स्टेटमेंट को भी। प्रकाश अम्बेडकर जी का ये आरोप है कि बहुत कमज़ोर पीपी लगाया था और इसके कारण उनको एंटीसिपेटरी बेल इंटीरियर मिल गई। अब वो दोबारा 22 तारीख को आने वाली है। तो सीएम का स्टेटमेंट है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बेल कैंसिल करने की कोशिश करें। तो सरकार इसमें कितनी इन्वॉल्व होती है इसके ऊपर बहुत बातें डिपेंड है। जनता तो अम्बेडकर जनता तो वो छोड़ेगी नहीं, वो अपना हक वो लेके रहेगी। हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। जनता को हक मिलेगा या किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को हक मिलेगा, मेरा सवाल ये नहीं। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि चाहे ट्रस्टी ए हो या बी हो, अम्बेडकर आंदोलन का हर छोटा मोटा आदमी अपनी व्यक्तिगत अधिकार उसके ऊपर मानता है। इसीलिए तो वो भावने से जुड़ा है। मैंने वही कहा कल पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को कोई भी हाथ लगाए, चाहे ट्रस्टी कोई भी हो नहीं हो, सारा अम्बेडकर आदमी वो रस्ते पे आ गया। ये तो अभी देखो सिद्धार्थ विहार गिराया गया। सिद्धार्थ विहार गिराने के बाद कौन रास्ते पर आया? सिद्धार्थ विहार भी तो मूवमेंट का केंद्र ही था। सिद्धार्थ विहार गिराने के बाद किसी को पता तक नहीं चला, ना कोई और सिद्धार्थ विहार का कंस्ट्रक्शन सर उसमें रहे है। सिद्धार्थ विहार का कंस्ट्रक्शन तो बाबा साहब ने खुद भूमि पूजन करके शुरू किया था। 1962 में बिल्डिंग बनी थी, वो एक मूवमेंट का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन वो केंद्र बनने के बावजूद भी कोई आगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें जो है मालिकाना संघर्ष जो है, ट्रस्ट पे अधिकार किसका रहेगा, ट्रस्ट का अधिकार किसका रहेगा, ये मालिकाना संघर्ष की जो पहलू इससे जुड़ा हुआ है, ये पहलू भी ध्यान में लेना चाहिए। ये ध्यान में लेना चाहिए। जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया है कि आप भारतीय बौद्ध महासभा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय बौद्ध महासभा का नाम इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रिवेंशन बनाई हुई है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल हो रहा है। आज जो चैत्य भूमि का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं हो रहा। कौन ओरिजिनल ट्रस्टी कौन है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो सेम चीज जो है ये पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में भी यही एक सवाल खड़ा हो सकता है आगे चलकर कि असल कौन है। जब तक उसका डिसीजन नहीं होता असल कौन है, ये डिसीजन कानूनन तौर पर फाइनलाइज नहीं होता, तब तक ये अंबेडकर भवन बनना मुझे मुमकिन नहीं। सर आखिर देखिए क्या है इसमें, पी सोसाइटी हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी हो और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे जितने ट्रस्ट हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो? उसी पर आ रहे हो। ये अंतर ये है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज मतलब वहां लोगों का मतलब इमोशनल ये जुड़ा हुआ है। ये नहीं कह रहा हूँ पी सोसाइटी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन पी ए सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन और उनका जो मतलब काम करने का तरीका है वो तो एक एजुकेशन ट्रस्ट है। बिल्कुल वहां पर ऐसे लोग जाकर वो कोई मतलब ये नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर लोग आते थे। दिस बिलोंग टू द पीपल, ये लोगों इमोशनल जुड़े हुए लोग हैं। तो इसमें फंस जाएगा अंबेडकर, उसी तरह से लोग वहां आएंगे बैठेंगे। तो वो सब करते हुए यहाँ के जो ट्रस्टी है वो देखिए, वो सारे हमारे दोस्त हैं, उनको मैं जानता हूँ पहचानता हूँ। कुछ हद तक वो रहेंगे, लेकिन कुछ हद के बाद वो जानेंगे कि भाई यहाँ हमने रहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? वी आर डिवाइडिंग द पीपल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर द पीपल। हम कामना करेंगे कि ऐसा ही हो, अम्बेडकर भवन दोबारा बने, इसके लिए लाखों का भीम सागर मुंबई में उमड़ा। कानूनी पेचीदगी में इसे न फंसाते हुए, ट्रस्ट या नॉन ट्रस्टीज कौन लीगल है कौन इलीगल है इसमें न फंसते हुए, ये मामला पब्लिक सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा अंबेडकर भवन बने, यही हम कामना करते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आवाज इंडिया।